और गोलियाथ, साहस और विश्वास की कहानी। परिचय। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समर्थनीय और सदियों पुरानी कहानी डेविड और गोलियाथ की में गौर करेंगे। ये धार्मिक कहानी साहस विश्वास की, जो भी समस्याओं के खिलाफ खड़ा होता है उसे अद्भुत शक्ति और साहस मिलता है। कहानी की पृष्ठभूमि। डेविड और गोलियाथ की कहानी प्राचीन समय में इसराइल के भूभाग में हुई थी। इसराइल की प्राचीन भूमि में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। पलिश्ती सेना ने अपने भयंकर और प्रभावशाली योद्धा गोलियाथ के नेतृत्व में इसराइलियों को पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में शामिल होने के बजाय विवाद को सुलझाने के लिए एक चैंपियन को भेजने की चुनौती दी थी। 9 फीट ऊंचे, भारी कवच से सजे हुए और विशाल भाला लिए हुए खड़े गोलियाथ ने अपने सामने आने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। डेविड का परिचय। डेविड एक जवान था, अपने भाइयों में सबसे छोटा और कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसके पास शारीरिक ताकत से भी अधिक थी ईश्वर में अटूट विश्वास और अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति अधिक इरादा। अनलाइकली हीरो। बेथलहम के छोटे से गांव में डेविड नाम का एक युवा चरवाहा लड़का अपने झुंड की देखभाल करते हुए एक विनम्र जीवन व्यतीत करता था। अपनी कम उम्र और सैन्य अनुभव की कमी के बावजूद डेविड के पास अटूट साहस और ईश्वर में अटूट विश्वास था। जब गोलियाथ की चुनौती की खबर उसके कानों तक पहुंची, तो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। संदेह पर काबू पाना। गोलियाथ का सामना करने की डेविड की दुस्साहसिक इच्छा को उसके आसपास के लोगों द्वारा संदेह और शंका का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि राजा शाऊल को भी उसकी युवावस्था और युद्ध कठिन अनुभव की कमी के कारण उसकी क्षमताओं पर संदेह था। हालांकि डेविड की ईश्वर में अटूट आस्था ने उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने अतीत की कहानियां सुनाई, जब उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए जंगली जानवरों से लड़ाई की थी, ये समझाते हुए कि यह परमेश्वर ही था जिसने उसे शक्ति और जीत प्रदान की थी। लड़ाई शुरू होती है। केवल एक गोफन और 5 चिकने पत्थरों से डेविड युद्ध के मैदान में गोलियाथ के सामने खड़ा था। जैसे ही वह विशाल योद्धा के पास पहुंचा, उसने परमेश्वर में अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहा कि ये लड़ाई शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति के बारे में है। अपनी गोफन से फेंके गए प्रत्येक पत्थर के साथ डेविड ने असाधारण सटीकता और परिशुद्धता का प्रदर्शन किया। विश्वास की विजय। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में एक अच्छी तरह से लक्षित पत्थर सीधे गोलियाथ की आंखों के बीच में लगा। विशाल गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। अपने साहसी नायक की जीत देखकर इजरायली खुशी से झूम उठे। निष्कर्ष। सभी के लिए एक सबक। डेविड और गोलियाथ की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि इस विश्वास में निहित है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम अपने जीवन में सबसे शक्तिशाली दिग्गजों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या हम डेविड के साहस से प्रेरणा ले सकते हैं और विश्वास की शक्ति में सांत्वना पा सकते हैं?